सरदार 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 उस चौधरी की बारात निकल चुकी। सरदार ये बड़े बड़े लड्डू मंगवाया है उसने। उस चौधरी के बच्चे ने पक्का इंतजाम कर रखा है। तुम्हारा वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। हाँ मानुष बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी मजबूरियों ने मेरे हाथों तुम्हारा गला घोंट दिया है मगर अब इस घर की और अपने मजबूर बाप की लाज तुम्हारे हाथ में है। चौबे जी ने तो रामू के साथ बात पक्की की थी। हाँ फिर ये बुड्ढे चौधरी से शादी कैसे करा है? पैसे में बड़ा जोर है बाबा, बुड्ढे को भी जवान बना देता है। चौबे ने तो गाल की नाक कटवा दी। चोंच में कौवे के अंगूर खुदा की कुदरत, पहलवे घूर में लंगूर खुदा की कुदरत। पंडित जी जल्दी कार्य शुरू कीजिए। ये तो बड़ा नहीं आए हैं, अब इस अन्याय से इस लड़की को भगवान ही बचा सकता। जिसके लिए अन्याय सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा अन्याय करना। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिले। मैं लड़की को उसके असली हकदार के पास ले जाऊंगा। रब्बू क्या देख, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। तेरी कांपता क्यों है? तेरी पिस्तौल तो निकली है। दुल्हन ले गया, कागज थमा गया। चौधरी जी, सीता की शादी आप जैसे सूदखोर के मंडप में नहीं, भगवान शंकर के मंदिर में राम के साथ होगी। दादाजी बारातियों को लेकर पोती को आशीर्वाद देने मंदिर जरूर पधारिएगा। आपका आजाद। रामू ले भाई संभाल अपनी अमानत। पंडित जी
जल्दी से शुभ काम शुरू कर दीजिए। अरे बाबा मेरे बंधन खोलो तो मैं इनके बंधन बांधू। जल्दी खोलो इन्हें, अभी खोलता हूँ भैया। मगर कन्यादान कौन करेगा जी? बाप करेगा। किसका बाप करेगा जी? आपको दक्षिणा से मतलब है या बाप से? कन्यादान मैं करूँगा जी। बड़ा भाई भी तो बाप समान होता है। हाँ। मंत्र शुरू कीजिए पंडित जी। ओंकार हिंदू सारुता नित्यं व्याजंती जोगी माता। चलो चलो सीधे जल्दी से भेजिए पिता। भगवान का नाम लेकर ऐसा बंधन बांधिए कि सात जन्म तक साथ में छूटे। ओम सर्वमंगलेश्वर वो खुशन चौधरी आ गया। मंत्र चालू रखिए। ओम नारायण नमस्कार। अरे शादी मेरी औरत को जबरदस्ती दूसरे के पल्ले बांधते हो चौधरी। सीता रामू की हो चुकी है, अब उसके सपने मत लो। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दो और लड्डू खाकर चलते बनो। बंद करो ये मजाक। पंडित जी असली दूल्हा मैं हूँ, शादी मेरे साथ होगी। सीता मेरी है और रावण की औरत। सीता को तो छू भी नहीं सकता, चल यहाँ से। अरे पंडित जी मेरा मुख क्या लगे, उठा लो लड़की को। ओम नारायण नमस्ते कम नरम तव मनो तव हे विम सर्व कन्या आसम तो ये मुझे बोल रहा है। तुमने इस गरीब की जिंदगी तबाह होने से बचा ली, भगवान तुम्हें सुखी रखे। चौबे तेरा मेरे पास 10,000 का सही किया पर नोट है। तूने लड़की नहीं दी तो क्या हुआ? अब मैं तुझसे पाई पाई वसूल करके रहूंगा। चौधरी इधर आओ। इस पर नोट की आहुति दो। नहीं दूंगा। नहीं नहीं देता हूँ, देता हूँ। भाई घर पर नहीं है इसलिए पूरी आजादी मिल गई। भाभी वो 2 बरस से सरकारी ड्यूटी पे घर से बाहर है और तू ये ड्यूटी पूरी कर रहा है। आज बैठे बिठाई चौधरी से दुश्मनी मोल ली। अच्छा ये चौधरी की वजह से 3 किलो घात पड़ा है। भाभी वो कितना बड़ा अन्याय कर रहा था। न्याय अन्याय का फैसला करने वाले तुम कौन होते? अच्छा अगर ये अन्याय नहीं था तो फिर उस शादी में तुम क्यों नहीं गई? बको मत, सारे गांव को सुधारने का ठेका ले रखा। हाँ, है ले रखा है। तुम्हारी रोज रोज की हरकतों से मैं तंग आ गई। एक दिन मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरे भाभी ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ठीक है मैं अब कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। दरवाजा खोलो ना भाभी। लगता है चौधरी ने भाभी को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया है, पारा ही नहीं उतर रहा आज। भाभी भाभी जी, ओ भाभी जी बड़े जोर की भूख लगी है, खाना तो खिला दो। नहीं खिलाएंगी ठीक है ना? सही आज खाली पेट ही सोता। अरे भाभी मुझे मालूम था मेरी भाभी मुझे कभी खाली पेट नहीं सोने देगी। भाभी देखो एक बात बताओ, भैया तो पुलिस में है इसलिए मारपीट करते, लेकिन तुम तो पुलिस में नहीं फिर भी क्या जन्नाटेदार थप्पड़ मारा अभी तक गाल जाइंग जाइंग कर रहा है। तुम्हारा हाथ तो नहीं दुख रहा? डरा दू? खाना ला रही हो ना भाभी? भाभी खाना ला रही है। अरे मेरी भाभी जैसा कोई है? कोई नहीं है, एक ही है सारी दुनिया में। भाभी तुम्हारी थाली। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? मुझे नहीं खाना। मैं भी नहीं खाऊंगा। मत खाओ। ये कैसी सजा है भाभी? देखो मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ आज से लड़ाई झगड़ा सब बंद। चलो खाना खा लो। राजू मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलेंगे, शायद भैया की खबर आई हो। और सुन रास्ते में कहीं नहीं रुकना, असली फसाद की जड़ तू है, हमेशा झगड़े वाली जगह ले जाता है। अरे भाभी से वादा किया है आज से ना बुरा बोलूंगा ना बुरा देखूंगा और ना बुरा सुनूंगा।
समझ गए? हम पे ना चल जाए
क्यों गया है तू? क्या तकलीफ है? हाँ? अरे देख, तू खड़ा हो जाता है तो मैं चालू हो जाता हूँ। सीधी तरह पुलिस स्टेशन चल। भाभी से वादा किया है किसी से झगड़ा नहीं करना। चल चल। हाँ? क्या हुआ? नहीं आएगा? ये क्या? अनाज में आग? अबे ओ यार किसने लगाई है? लगी नहीं, लगाई गई है राजकुमारी जी की पेंटिंग के लिए। पेंटिंग? ए मैम साहब, ये क्या हो रहा है? अपने शौक की खातिर आपने गरीबों के पेट पे लात मार दी, उनका अनाज जला दिया और बेचारों की साल भर की रोटी जला के राख कर दी। चिल्ला नहीं सेक्रेटरी, कीमत दे दो और कुछ बख्शीश भी। बख्शीश? मैम साहब, आपके समझते हैं खेतों में अनाज आपकी दौलत से पैदा होता है या हम गरीब किसानों की मेहनत से पैदा होता है? आप समझिए पैसे से हिसाब चुकता हो जाएगा। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती? सोने और चांदी से पेट नहीं भरा जाता। मेम साहब, आप अपने शौक की खातिर गरीबों के अरमानों की होली नहीं जला सकती। अरे अरे, ये तूने क्या किया इडियट? तुमने मामूली अनाज के लिए मेरी सारी मेहनत खत्म कर दी। मैं तुम्हें खत्म कर देती हूँ। देहाती गवार छोटा मुझे। शर्म आती राजकुमारी पर हाथ उठाते हुए। गाड़ी छोड़ा और उस तारजान की मरम्मत करो। गरीबों का अनाज जलाकर पेंटिंग बनाना चाहती थी ना? अब उसी आग में तुझे झोंक कर मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। तुम्हें मालूम है वो कौन है? कौन है? वो रायगढ़ के राजा की लड़की। अजी कोई भी हो, आग लगानी है तो अपने घर में लगाए, ये कोई रायगढ़ नहीं है, गंगापुर है हमारा गंगापुर। तो तुम कौन सा गंगापुर के नवाब हो? तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? हम लोग मर गए थे क्या? देखिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुलिस की मदद करना मेरा धर्म है, और फिर मेरा भाई भी तो इंस्पेक्टर है, और आप ये भी जानते हैं कि मैं खुद भी सीआईडी पुलिस की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। ये दूसरी बात है कि जरा आजाद तबीयत का आदमी हूँ, इसलिए नौकरी पसंद। मतलब की बात करो। मैं भैया के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ। अभी तक कुछ पता नहीं होता, कोई इतला आएगी तो तुम्हें खबर मिल जाएगी। अभी तक कोई इतला नहीं आई? नहीं, अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है,
ये जो कुछ हुआ इसके बारे में मेरी भाभी से कुछ मत कहना। कहने की जरूरत नहीं, उन्हें सब मालूम है। जी मालूम है, और नहीं तो क्या? तुम समझते हो मैं अपनी मर्जी से तुम्हें आजाद कर रहा हूँ? उस गरीब ने आज तुम्हारी जमानत दी यहाँ पर, और मैं उनके सामने ही तुम्हें बुलाना चाहता था, लेकिन वो बहुत नाराज थी तुमसे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। छोड़ के मैं के जा रही है, मैं दुनिया को छोड़ के भगवान के पास जा रहा हूँ। मैं बच जा रहा हूँ भाभी, मैं नहीं रुकूंगा भाभी। एक दो तीन मत चला भाभी, चल खेलते जल्दी। मैं क्या रोकते खेलते खींचा है? मेरी भाभी ने खींचा है, ये लीजिए। सुनिए, ये तो सारे ही ले जा रहे थे, ये 200 या 250। अजीब आदमी है। सही, मैं पूछती हूँ शरारत कब तक चलेगी? देख भाभी, ये शरारत तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाभी, मैंने तय कर लिया, अब तुम गांव चलकर नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। अशोक पैसे रख लिए? हाँ भाभी रख लिए। ये चिट्ठी रमेश को देना और देख पहुंचती ही तार दे देना। सुनो भाभी, भैया के आते ही मुझे तार दे देना, मैं फौरन चलाऊंगा। ठीक है, देख तू पहली बार घर से बाहर जा रहा है, अपना ख्याल रखना। तू क्यों चिंता करती है भाभी, वहां मैं बड़े आराम से बड़े चैन से रहूंगा, वहां कोई मारने वाला थोड़ी होगा। चल ये पहन ले। भाभी ये तो भैया की निशानी है ना, उन्होंने तुम्हें दी थी। इसमें तुम्हारे भैया की अब मेरी तस्वीर है। आज मैं अपने आजाद एवर को इस बंधन में बांध रही हूँ, ये तुम्हारे गले में रहेगा तो तुम्हें लड़ाई झगड़े से रोकते रहेगा। अशोक इस निशानी की लाज रखना। भाभी कसम खाओ अशोक, कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे, किसी से मार पीट नहीं करोगे, गुस्से में आकर किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, तुम्हें तुम्हारे भैया की कसम। ठीक है भाभी, अगर तुम यही चाहती हो तो इस पवित्र निशानी की कसम, ना कभी किसी से झगड़ा करूंगा और ना गुस्से में किसी पर हाथ उठाऊंगा। अशोक जाने से पहले भगवान से आशीर्वाद नहीं लोगे? भाभी मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो।
अरे सुनो, इधर आ। रमेश शर्मा कह रहे हैं। रमेश शर्मा? हे चुप। रमेश शर्मा का मकान? हाँ। डी ब्लॉक 6 नंबर क्वार्टर, धारेखा दीदी रहती है। तो आता कैसे? रखी है और कहते हो नहीं पे? अरे क्या करिए? मेरा भाई और शराबी, ना बहन का ध्यान ना घर की परवाह। जाओ यार। अरे अच्छा, ज्यादा छोटी बहन होकर माँ की तरह डांटती है। लेकिन लेकिन प्यार भी बहुत करती है, बहुत। दुखी मनो मेरे सुन मेरा कहना, कुमारी है बहना कभी नहीं पीना। दुखी मन मेरे। दुखी भैया कौन है? 6 नंबर क्वार्टर यही है ना? 6 नंबर? हाँ, वो रमेश शर्मा यहाँ रहते हैं। मुझे नहीं मालूम। ए भैया, ए भैया अंदर अंदर अंदर। क्या पूछा? 6 नंबर का ऑर्डर। 6 नंबर? हाँ हाँ, चलो 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 चलो। रमेश भाई ना? हाँ रमेश भाई। 6 नंबर ये दरवाजा खटखटाओ, खटखटाओ जोर। तू तो गरजती थी, फिर बरसते क्यों? बरस तो चुके हैं भैया। माफ कीजिएगा भैया के धोखे में आपको भी गो दिया। तुम ना कुछ सोचते हो ना समझते हो, पैसे मिलते शराबी का घर चले आते हो। तू गरज चुकी, फिर क्यों गरजती है मुझ पर? माफ कीजिएगा, लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। भाई साहब गलत जगह पर नहीं, गलत टाइम पे आ गया। वैसे इस दुखिया को रमेश शर्मा कहते हैं। रमेश शर्मा? आपका नाम रमेश शर्मा है जी? तो फिर आपके नाम ये चिट्ठी है। चिट्ठी? अरे ये तो किसी बोतल का लेबल दिखाई देता है। तुम्हें तो बोतल का लेबल ही दिखाई देगा। किसकी चिट्ठी है? देखो चिट्ठी। अरे ये तो सरला दीदी की चिट्ठी है। सरला दीदी? कैसी है वो? अच्छी, बहुत अच्छी। मेरी भाभी लगती है और मेरा नाम अशोक है। अशोक? अरे अशोक, अरे तुम तो सरला बहन की शादी में बिल्कुल पौवा थे, अब तो पूरी बोतल बन गए। कहो कैसे आना हुआ? नौकरी की तलाश में आया हूँ, बाकी सब कुछ भाभी ने चिट्ठी में लिख दिया है। चिट्ठी में? अशोक भैया कपड़े बदल लीजिए। जी कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं किसी धर्मशाला में ठहर जाऊंगा। अरे धर्मशाला? तो फिर ये रमेश शर्मा किस काम के लिए? हमारे हुए तुम धर्मशाला में चलोगे? देखा, इनका रहना खाना हमारे लिए भारी होगा। क्या भारी क्यों होगा? पहले एक भाई के लिए खाना बनाया करती थी, अब दो भाइयों के लिए बनाऊंगी। हाँ अशोक, आज तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें बड़े साहब के पास ले चलेंगे। भैया उस तरफ नहीं, इस तरफ। इस तरफ? अच्छा नहीं नहीं ठीक है। ये कहाँ ले मुझे? चुपचाप दिया, बोलना नहीं, आंखें खुली रखो और जुबान बंद। क्यों, इस घर में बोलना मना है क्या? नहीं नहीं, ये घर नहीं है, घर तो हम गरीबों को होता है, ये तो महल है, रायगढ़ पैलेस। अच्छा इसे झूमर कहते हैं, झूमर। गुस्सा इसे विलायत लाए हैं, तब जलता है, रात को दिन निकल आ रहा है।
इतनी बड़ी चौकी? ओ, फिर वही बात, चौकी नहीं ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। इतना खाना खाते हैं? ओ, खाना कम खाते हैं, चूरन ज्यादा। ठाकुर साहब इसे पैसे लाए हैं। तुम्हारा महल हिंदुस्तानी और चीजें सब बाहर से मंगवाई गई हैं? ये शेर क्या अफ्रीका से आया है? जी नहीं, इसे रायगढ़ के जंगल में हमारी शेरनी ने मारा है। शेर ने गोली चला दी है क्या? क्या क्या नहीं चलाती है, गोली चलाती है, चाकू चलाती है और तलवार भी चलाती है। रायगढ़ की राजकुमारी, रस छोड़कर हाथ में तलवार, पीछे देखिए। अगर सचमुच किसी दुश्मन का सामना होता तो आपकी जान जा सकती थी। ये लाठी नहीं तलवार है, अगर तलवार के धनी है तो आ जाओ मैदान में। मैं लड़कियों से मुकाबला नहीं करता भीम साहब। उठाओ तलवार। मैंने कहा ना मैं लड़कियों से मुकाबला नहीं करता। जी, इस गुस्ताख हाथ ने आपकी तलवार तोड़ दी। बहुत जल्दी हाथ भी तोड़ दिया जाएगा। अरे अरे, ये क्या कर दिया? आते ही सारी उम्मीदें पर तलवार फेर दिया। रमेश, नमस्ते साहब। कौन है ये? साहब ये अशोक है, अशोक मेरे सगे वाले। साला है जी, मेरे बड़े भाई का साला। साहब मतलब यह है, ये गांव से आया है, नौकरी के लिए आया था, लेकिन आते ही इतनी बड़ी भूल कर दिया। साहब इसे क्षमा कर दीजिए ना। क्षमा कर दीजिए साहब, ऐसे भूल कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करूंगा। साहब जवान आदमी है, हट्टा घट्टा शीशम का लट्ठा, दो आदमी का काम अकेला कर सकता है? दस आदमी का कर सकता हूँ जी। हाँ देखिए देखिए देखिए, बाजू देखिए, बाजू देखिए, कलाई देखिए, चबड़े चबड़े हाथ देखिए, देखिए देखिए। हाथों का कमाल तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन नौकरी देना हमारा नहीं, सीमा का काम है, और हम नहीं समझते कि अब वो इसे कोई नौकरी देगी। चलो अंकल, गिव हिम द जॉब। थैंक यू वेरी मच। ए भाई छोटे वाले, इतना रहती हो क्या? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? किस बात की तमीज? इतना नहीं जानते कि मालिक को सलाम करना हर मजदूर का फर्ज होता है? देखिए साहब, अभी काम छोड़कर सलाम करूँ या सलाम छोड़कर काम करूँ? काम छोड़कर सलाम करो। काम छोड़कर सलाम करूँ? हाँ कुछ भी छोड़कर सलाम करो। तो फिर सलाम। गाड़ी दूर। काम छोड़कर सलाम किया? दीवान जी। जी सरकार। किस कदर इस आदमी को यह नौकर था? साहब ने अरे किस्मत अच्छी थी, नेम साहब ने नौकरी पर रखा था, नहीं तो खड़े खड़े छुट्टी हो जाती। कौन सा ये? अरे प्रेम साहब। प्रेम साहब कौन? अरे बड़े साहब का लड़का और मेम साहब का मंगेतर, बहुत गर्म खोपड़ी का है। ये दोनों गरम खोपड़ी के हैं तो फिर इस बियर की फैक्ट्री में बर्फ कैसे जमती होगी? डर से। हेलो, मैं राम बहादुर बोल रहा हूँ।
राजकुमारी के अस्पताल से। नीम साहब को बुलाओ। हैं, नीम साहब को बुलाओ। आप कौन है जी? उल्लू के पत्ते मेरी आवाज नहीं पहचानते। मैं प्रिंस साहब बोल रहा हूँ। अभी बुलाता हूँ मैम साहब को। अभी बुलाता हूँ। बेवकूफ, बदतमीज। डैडी, आप जानते हैं सीमा ने क्या किया? क्या किया है सीमा ने? उसने एक देहाती गंवार गुंडे पर नौकर रख लिया। मैं पूछता हूँ, बियर फैक्ट्री है या कुश्ती का अखाड़ा? उसने तुम्हें कुश्ती लड़ने के लिए तो नहीं कहा बेवकूफ। होश गंवाओगे तो लड़की भी गंवाओगे और दौलत भी। फैक्ट्री की मालिक सीमा है, तुम नहीं हो। लेकिन कब तक? जब तक सीमा के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम भी नौकर हो और तुम्हारा बाप भी नौकर है। नौकर? हाँ, और अपनी बेवकूफियों से मेरा प्लान मत खराब करो। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है प्रेम? राम सिंह कह रहा था तुम बहुत गुस्से में हो। गुस्सा? गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं सीमा, वो तो वैसे ही टेलीफोन का कनेक्शन खराब होगा। गुड, क्या काम है? कुछ नहीं, काम तो कोई खास नहीं था। मैं बिल्कुल बेकार बैठा था। मैंने सोचा चलो टेलीफोन करके देखूं क्या कर रही हो। अगर तुम भी कुछ नहीं कर रही हो तो चलो राइडिंग के लिए चले। गुड आइडिया। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, आज जो नया नौकर रखा है ना, अशोक। हाँ, वो अशोक, वो तो बहुत ही शरीफ आदमी है सीमा। वो शरीफ आदमी को यहाँ भेज दो। क्यों? मैं उसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। टेस्ट? काहे का टेस्ट? उसकी ताकत का। ताकत का? कैसी ताकत का? देखना चाहती हूँ वो कितना मजबूत है। क्या मतलब? ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल? मुझे पुराना कर्जा चुकाना है। नया नौकर और पुराना कर्जा? माइंड योर ओन बिजनेस। श्रीमान जी। जी सरकार। अशोक को जल्दी बुलाओ। अशोक को? माइंड योर ओन बिजनेस, पुराना कर्जा चुकाना है। आपने बुलाया है मुझे? हाँ, तुमको मेरे साथ चलना है। बैठ जाओ। जी। इधर नहीं, उस घड़े पर। उस पर? अरे, तुम तो पुराने घुड़सवार हो, गिर कैसे गए? समझ में नहीं आया कैसे हो गया। डर तो नहीं लगा? जी नहीं, डर किस बात का। अब इतने दिनों के बाद अच्छा घोड़ा मिला है चलाने के लिए तो चलाऊंगा। वेरी गुड, चलो। मोहन सिंह, ये भाई वापस नहीं आएगा। अरे गुरु, तुम कहाँ चले? लो, पियो पियो पियो। मेरी वजह से पुलिस के हिरासत में रहना पड़ा, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन आपने ये नौकरी देकर सारी शिकायत दूर कर दी। जाना कहाँ है? हमारी एक पेंटिंग अधूरी रह गई है, सोच रही हूँ आज उसे पूरी कर ही दूँ। कमाल है, मैं तो उस बदतमीज को सिर्फ नौकरी से निकालना चाहता था। तुमने उसका हिसाब ही रुकता कर दिया। तुम हिसाब में कच्चे हो, हम किसी का उधार नहीं रखते। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ अपना भी वसूल हो गया। सीमा बेटी। डैडी, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
किसी गरीब की जिंदगी के साथ तुम्हें खेलना नहीं चाहिए था। अंकल, हमने अपना कर्जा चुका दिया। गांव में उस बदतमीज ने हमें बहुत जलील कर दिया था, इसीलिए तुमने उसे नौकर रखा। हाँ डैडी, जिस बदतमीज का हाथ हमारे सलाम के लिए नहीं उठता, उसे इस दुनिया से ही उठ जाना चाहिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम? जी मैं। तुम वापस कैसे आ गए? मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं जो वापस ना आ सकूं। अरे तुम तो बड़े बेशर्म आदमी, मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा वापस आ गए। शट अप। अशोक, हमें खुशी है कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा कहाँ है? राजा? राजाओं का वक्त जा चुका है मेम साहब। हम अपने घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे इतने कीमती घोड़े का तुमने क्या कर दिया? बड़े ताज्जुब की बात है मेम साहब, आप अपने घोड़े की फिक्र है मगर इस गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। हम पूछते हैं हमारा राजा कहाँ है? राजा अब आपका राजा नहीं रहा, वो मेरे हुक्म का गुलाम हो चुका है। राजा, मेम साहब को सलाम करो। कमाल है, राजा तो किसी को अपनी पीठ पर भी बैठने नहीं देता था और तुम्हारे एक इशारे पर वो सर झुका रहा है। ऐसे पागल जानवर को तुमने सीधा कैसे कर लिया? साहब, हम जानवर ही नहीं, इंसान को भी सीधा करना जानते हैं। पूज्य भाभी, लड़की बिल्कुल जंगली है, शेरनी की तरह गरजती रहती है, बात बात पर काटने को दौड़ती है, एकदम पागल है। और अच्छे भाई है आप, सरला दीदी को मेरे बारे में ये सब क्या लिख रहे हैं? मैं पागल हूँ, बात बात पर काटने को दौड़ती हूँ? गलत है। रेखा मेरे सिवा और किसी को काटने नहीं दौड़ती। रमेश भैया, मैं रेखा के लिए नहीं लिख रहा, मैं तो उस मेम साहब के लिए लिख रहा हूँ जिसने मुझे पागल घोड़े पे बिठा दिया था। तो बहुत कम लिखा, ज्यादा लिखो और रेखा के बारे में भी कुछ लिखो ना। क्यों रेखा, क्या लिखूं तेरे बारे में? वहाँ गाँव में रेखा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ध्यान में रखे। हाँ, मैं तुम पर भारी हो गई हूँ ना, मुझे इस घर से निकालना चाहती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हें इत्मीनान से पीने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना गुस्सा क्यों करती हो? सुनो, लड़कियों को एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। हाँ, अगर तुम्हारी कोई अपनी पसंद है तो मुझे बता दे, मैं बात पक्की कर देता हूँ। इसकी कोई पसंद नहीं, बस लड़का शराबी ना हो। नमस्ते रमेश बाबू। आओ दीवान जी, आओ, सोने के टाइम जगाने आए हो क्या? कहो क्या बात है? बात नहीं है जी, नोटिस है, आपकी 24 घंटे की नौकरी खत्म, और ये रही एक दिन की बादशाहत की माल गुजारी, 5 रुपए 90 पैसे और छुट्टी। मगर क्यों छुट्टी, क्या कसूर किया है इन्होंने? नौकर रखते हैं या मजाक करते हैं? कल नौकर रखा और आज निकाल दिया, ये भी कोई बात हुई? अजी बात क्यों ना हुई, मेम साहब ने नौकर रखा, मेम साहब ने निकाल दिया, उनकी मर्जी। मर्जी? दर्जी की दुकान है, जी चाह कपड़ा सी दिया, जी चाह नहीं दिया, मजाक है क्या? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। अरे कहाँ जाएंगे, प्रेम साहब मेम साहब दोनों शिकार पर गए हैं। Thank you.
बदतमीज कौन है? मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहार, मैं हूँ सबसे पहले, अरे सब है मेरे पास, मैं आजा, मैं आजा, मैं लैला का मजनू, शीरी का फरहार, मैं हूँ सबसे पहले, अरे सब है जाऊंगा तुम ना गिन तो मैं सफेरा तुम वो बच जाऊंगा।
करती हो गुस्सा फिर करना फरियाद। मैं लैला का मजनू शीरी का फरहाद है आज़ाद। हमारा शिकार खराब करने का तुम्हें क्या अधिकार है? बेजबान जानवर की जिंदगी से खेलने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है साहब। इडियट, तुम इसे बात करो। हुक्म मत चलाइए मैम साहब, इस वक्त मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आजाद हूँ आजाद। दीवात मलाक हो जाओ, मैं इस मजनू की औलाद को बताता हूँ कि तमीज किस चिड़िया का नाम है। घोड़े पर बैठकर गधा आदमी नहीं बन जाता है? पहले तमीज सीखो फिर दूसरों को तमीज सिखाओ। टेम, तुम ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लोगे? हाँ? नहीं, मैं ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे हाथ होती तो बात कुछ और थी। तो फिर घोड़े पर बैठकर क्या बकवास कर रहे हो? अभी देख लेता हूं। डैडी, अरे सरकार को उठा, अरे उठा सरकार को, उठिए सरकार, उठिए उठिए सरकार, उठिए। अड्डी गया। अरे भाग गया, जिधर की औलाद, किधर से मुकाबला करने आया था साला, भाग गया डर के, भाग गया। Shut up! उसने तो मूड खराब कर दिया, शिकार अब कल होगा। बेसुध बूढ़ी, हाथी को सुहा दो तो बेहोश हो जाए। चींटी को सबक सिखाना ही चाहिए। कहाँ जा रही हो सीमा? देखो कितनी सुहानी जगह, जंगल में हर तरफ सन्नाटा है, जहाँ और कोई नहीं, सिर्फ मैं और तुम। और कुछ इधर उधर छुपे हुए जंगली जानवर भी हैं। सीमा, जी चाहता है सारी रात बैठकर तुमसे बातें करूं। सब सो गए हैं। शरीफ लोग जल्दी सो जाते हैं, जाओ तुम भी सो जाओ। कैसे सो जाओ, दिल धड़कता है, नींद नहीं आती। लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तरबूज खा लिया करो। उससे क्या होगा, जिनकी किस्मत में दागना ही लिखा है उन्हें नींद आती ही नहीं। जानते हो रातों को कौन जागते हैं? आशिक। तो फिर कौन? उल्लू। मेम साहब, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। ठंडा जाने दो, इतनी जल्दी भी क्या? मुझे जल्दी है, कल सुबह शिकार पर जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you.
नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत राजकुमारी को हाथ लगाता है? आजाद के लिए राजकुमारी और कन्याकुमारी सब बराबर हैं। तू करना क्या चाहता है? जैसा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ करना चाहिए। आप हमें जेल भिजवाएंगी? हमारा नाम आजाद है मिर्जा। तुम क्या चाहते हो? पागलपन का इलाज। इस वक्त आप हमारी कैद में हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। घबराइए नहीं, हम आपकी तरह पागल नहीं। गुड नाइट। अबे गधे घोड़े सब आ गए, सीमा कहाँ है? सब में है। क्या कहा? सब में? गोरा गोरा बदन, पानी में आग, आग में पानी। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तो भागने की तैयारियां हो रही थी। हमें नीचे उतारो। इसी तरह एक दिन हम भी पागल घोड़े से गिरे थे मेरे साहब। कहां जा रही हैं? चला खाना बनाओ। हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। बाप के नौकर नहीं? उठाओ सब्जी, जरा चल दे। आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। औरत को औरत रहना चाहिए। हमारे पास 50 नौकर हैं, चम तुम कभी कोई कमी नहीं। हमें औरत बनने की कोई जरूरत है? आहिस्ता आहिस्ता हम आपको सब कुछ बना देंगे। सब्जी काटो। ज़्यादा भाग दौड़ अच्छी नहीं होती। लाओ पहन लो इसे। और सुनो, औरत के हाथ में छुरी और बंदूक बिल्कुल अच्छी नहीं लगते। ठहरो। पानी भर कर लाओ। नहीं नहीं, आ!
क्या हुआ? मेंढक है। मेंढक से डर गई आप? साला, हमसे पानी भरवाता है और हम पर हंसता भी है। अभी बताते हैं। तुम क्या समझते हो? हम हमेशा मेंढक पकड़ते रहे हैं, पानी भरते रहे हैं। हम सच कहते हैं, हमको किसी ने कुछ सिखाया नहीं। प्लीज हमारी मदद करो ना, हम धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। प्लीज। अब हुई ना बात, आओ दोनों मिलके पानी खींचते हैं। आइए। हमारी गलती माफ कर देना, हमें पता ही नहीं था कि तुम दिल के इतने नरम। तो हम बचपन से नरम हैं, आज जरा दिमाग के गरम हैं। वो भी ठंडा हो जाएगा। अब हुई ना बात, यहाँ ठंडे पानी में बैठकर आराम करो। हम तुम्हारा खाना बनाकर भेज देते हैं, तुम्हारी भाजी तरकारी भी यहीं भेज देते हैं। बैठकर काटते रहना, अरे कहीं उंगली मत काट लेना। अशोक, मेरे घमंड की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। सीमा, आज मुझे मालूम पड़ा पत्थर क्यों पूजे जाते हैं। ओह इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश जिसे सीमा देवी को किडनैप किया है। पकड़ लीजिए इस बदमाश को, पकड़ लीजिए। नहीं, मैं अपनी मर्जी से अशोक के साथ आई हूँ। ठीक कह रही हूँ सीमा? मैं ठीक कह रही हूँ। अशोक ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इस शेर को मारा है। डरी, डरी। पको मत, ये मर चुका है। अंकल, अशोक ने मुझे नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी दी? तो क्या मैं सारी जिंदगी का वहा कहता रहा हूँ? बस एक ही रात में शेर को भी मार दिया और शेरनी को भी। शट अप। अशोक, हम तुम्हारे बहुत शुक्र गुजार है कि तुमने अपनी जान खतरे में डालकर सीमा बेटी की जान बचाई। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी? तरक्की के साथ। डैडी, डैडी, सुना आपने, सीमा ने 6 महीने का बोनस अनाउंस किया है। तो क्या हुआ, दौलत उसकी है, वो जिस तरह से चाहे खर्च करे। क्यों दीवान जी? जी सरदार। डैडी, इस तरह लुटाने से अपना बिजनेस बिल्कुल चौपट हो जाएगा। यू माइंड योर ओन बिजनेस। उसने मजदूरों की पार्टी भी रखी, अब हमें मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। वो ऑर्डर दे तो तुम्हें नाचना भी पड़ेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम सोचते कम हो और चिल्लाते ज्यादा हो। आज तक तुम उस लड़के का दिल भी नहीं जीत सके। लेकिन डैडी, मुझे आप शरण,
वो जो कुछ कहे तुम्हें आंख बंद करके मानना होगा। आपको मालूम है वो पार्टी शंकर महल में दे रही है। शंकर महल में? जी हाँ। तब तो आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। चुपके से बात सुनो मेरी सहेली, घर से वो निकली आज अकेली, शर्मा गई क्यों नार नवेली, रास्ते में कौन मिला बुझो पहली। अरे कौन? अरे वो मिल गया होगा, फोन मिल गया, घर से निकलते हाय हाय हाय, याद मिल गया घर से निकलते, फोन मिल गया घर से निकलते, फोन मिल गया पास आओ बेटी। डैडी मेरे पास आओ। सीमा बेटी इस वक्त तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए,
लगता है भाई साहब को फिर से दौरा पड़ गया। तुम्हारे मिलने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। जाओ। बेचारी सीमा दीदी, देवता जैसे ठाकुर साहब न जाने कैसे पागल हो गए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दे, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दे। सीमा तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुमसे सख्त नफरत करती है। ये झूठ है, तूने उसके दिल में मेरे लिए जहर भर रखा है, वरना कोई बेटी अपने बाप से नफरत नहीं कर सकती। खामोश। खामोशी करना है तो मुझे मार क्यों नहीं डालता। लेकिन भगवान के लिए एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। मैं कसम खाता हूँ, मैं उसको भी नहीं बताऊंगा कि तू खूनी है। पागल की बात का एतबार कौन करेगा, और अगर तुम्हारी यही आरजू है तो वो भी पूरी कर दी जाएगी। तो डर क्यों नहीं देता, मुझे मार क्यों नहीं जाता। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा धंधा, मेरा रोजगार। लेकिन अंकल एक चीज बाकी है। अगर आप इतनी जल्दी मर गए अंकल, तो कन्यादान कौन करेगा, हा? बेटी और दामाद को आशीर्वाद कौन देगा। सीमा की शादी तक तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। सीमा की हाँ मेरे साथ हो रही है ना। क्या बकता है, कमीने कुत्ते, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भेड़िए, तेरी ये मजार कि तू मेरी बेटी पर हाथ डाले। मुझे ये इंजेक्शन मत दो। ये बहुत कीमती इंजेक्शन है और मिस्टर जॉन इसे फॉरन से तुम्हारे लिए खास तौर पर लाते हैं। उस दिन तो हम किस्मत से बच गए, अब तुम्हें शंकर महल का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आशा जी, सीमा बेटी कहाँ है? मैं सब घर में नहीं है सर। कहाँ गई? मछली फैक्ट्री। मछली फैक्ट्री? बड़े सरकार, वो इसी तरह मछली फैक्ट्री जाती रही तो हम एक दिन जरूर मगरमच्छ के पेट में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उस मगरमच्छ का भी इंतजाम करना पड़ेगा। दीवान जी, प्रेम से कहिए कि जॉन ठाकुर साहब का स्पेशल इंजेक्शन लेकर आ रहा है और जान का सामान तैयार रखे। कलफ होगा। नमस्ते साहब। जो राम, कैसा है तू? ठीक हूँ। अच्छा। अरे रमेश, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पंखा क्यों नहीं चलाया, गर्मी नहीं लग रही क्या? नहीं, गर्मी लग रही है। आइए खाना खाते हैं। अरे सुनो, एक प्लेट और लेकर आओ। नहीं, नहीं, प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं छाछ पी लूंगा। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बुखार। अरे बुखार में छाछ नहीं पीते? ये चाय के साथ ये एस्प्रो खा लो। एस्प्रो? अरे अरे नहीं, ये तुम मत पियो, मैं पी लूंगा। रमेश भैया, बुखार में छाछ पीने से निमोनिया हो जाता है। तुम घर जाकर आराम करो, बुखार उतर जाएगा। जाओ। छाछ? ओफो, छाछ की क्यों फिक्र करते हो, हम लोग पी लेंगे ना। मेरी बहन बहुत अच्छी छाछ बनाती है, फिक्र देखिए। अरे मत पियो, मत पियो, अरे मत पियो। थोड़ी सी कड़वी है। अरे होनी चाहिए, मैंने पहले कहा था ना, इसमें ज्यादा ही कड़वी होगी। अरे ये खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गरीबों के हाथ की बनी हुई चीज अमीरों को अच्छी नहीं लगती। डोंट बी सिली प्लीज। अच्छे है ना? हाँ अच्छे हैं, मजा आ गया। आज तक मैंने ऐसी छाछ कभी नहीं पी। हाँ हाँ सचमुच बहुत अच्छी है, इस ढंग से पहले कभी नहीं बनाई। लगता है आज कुछ नए ढंग से बनाई है। भाग यहाँ से। और है? थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो। Mm.
और है दोनों? हाँ आधी 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 पेंगे आधी आधी। कमाल है, दुनिया में हर चीज आधी क्यों होती है? आधी छाछ, आधा चांद, आधी मुलाकात, आधा प्यार, आधा प्यार। ए, तुम्हारा नाम क्या है? आधी छाछ पी के मेरा नाम भूल गई? मेरा नाम है अशोक। झूठ, आधी छाछ पीकर आधा नाम बोल दे। तुम्हारा नाम क्या मालूम? बोलो। तुम्हारा नाम, पूरा नाम है अशोक। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मुझे तुमसे इश्क 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 है। नहीं, नहीं। हाँ। ये झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो जा जान दे दो। दे दो? हाँ दे दो। जान दे दो? हाँ। चलो मैं दरिया में जाकर डूब जाती हूँ। अरे सुनो सुनो। हाँ। देखो एक एक बात मेरे दिमाग में आई। आधी जान तुम दे दो, आधी जान मैं दे देता हूँ। दोनों आधी आधी जान दे देते हैं। हाँ, हाँ। चलो आओ। चलो आओ। कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा।
मुर्दार जो तुम देख रहे हो मैं भी वही देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये कभी नहीं देख सकता, मेरी दुनिया डूब रही है। अगर डूब भी जाएगी तो मेरी नजर से बचकर कहाँ जाएगी, उन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें मिस्टर जॉन को देखना चाहिए। लो वो आ गया। दीवान जी जरा आइस बॉक्स ले आइए। ओके सर। हेलो मिस्टर, वेलकम वेलकम। ठाकुर साहब के लिए इंजेक्शन लाए हो? ऑफ कोर्स, इस बार एक्स्ट्रा पावर का इंजेक्शन लाया। गुड। एक महीने तक पागल बन का दौरा कम नहीं। अच्छा, लेकिन इंटरनेशनल प्लीज बहुत होशियार हो, हम लोगों को धंधा भी देखभाल कर करना चाहिए। ओ वेरी गुड, इसीलिए तो हमने भी धंधा बदल दिया है। धंधा बदल दिया? हाँ, अब हम मछलियों का कारोबार करने लगे। यू मीन फिशिंग बिजनेस? हाँ हाँ। ठाकुर साहब को पागलपन का इंजेक्शन देती थे, तुम दोनों बाप बेटे खुद पागल हो। अरे भाई, अगर मछली तुम्हें पसंद नहीं है तो फेंक देना, मगर बर्फ मत फेंकना। इस बर्फ की कीमत है $10,000। What do you mean? ये देखो, बर्फ में चरस। जी हाँ जॉन अंकल, आपका ये कंसाइनमेंट इसी तरह भेजा जाएगा। ये बात किसी और को तो मालूम नहीं? अगर किसी और को मालूम होगी तो वो भी बर्फ हो जाएगा। रमेश भैया, अभी तक काम में लगे हुए, घर जाने का इरादा नहीं किया? टाइम पूरा हो गया लेकिन काम अधूरा रह गया। लेकिन आपको मालूम है आज रामगढ़ से वो आ रहे हैं मिश्रा जी, रेखा को देखने के लिए। अरे भैया, यही दिन देखने के लिए तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मिस्टर जॉन का माल आज जरूर जाना चाहिए। तुम ऐसा करो ना, तुम भी तो रेखा के भाई हो, तुम घर चले जाओ, मेहमान की देखभाल करो, मैं ये काम खत्म करते जल्दी आ जाऊंगा। और देखो, इस खुशी में कहीं अड्डे पे नहीं पहुंचा? नहीं भैया, बहन की खुशी लिए तो मैं पीना ही छोड़ दिया। आप अगर पीऊंगा तो रेखा को डोली में बिठा कर ही पीऊंगा, और अकेले नहीं, तुम्हें भी साथ ले चलूंगा। नहीं, 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 मुझे तो तुम माफ करो, मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, मेहमान को जो जी में आए खिलाओ, लेकिन रेखा को जरूर बोलो आज वो मेरे लिए खीर बना के रखे। जानते हो इसमें क्या है? नहीं साहब। हशीश। हशीश? हाँ, ये गांजे और चरस से भी ज्यादा खतरनाक और महंगा नशा है। नशा? हाँ, बाहर के मुल्कों में इसकी कीमत लाखों डॉलर है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि हमारे कारखाने का सहारा लेकर कौन ये गैर कानूनी और काला धंधा कर रहा है। साहब, सफेद बर्फ में काला धंधा? रमेश जी, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने सिर्फ मुझे और कारखाने ही को नहीं, बल्कि अपने देश को भी बचाया है। देश को भी? अगर आज तुम पुलिस में होते तो तुम्हें कितनी तरक्की मिलती और न जाने क्या क्या इनाम मिलता। इनाम? हाँ, घबराओ नहीं, इनाम तो तुम्हें हम भी देंगे। इसी तरह आंखें खोल कर काम किया करो। साहब, मैं कभी आंखें बंद करके काम नहीं करता। ये लो पूरे 5,000। अरे दीवानी, बचाओ, इसे बाहर ले जाओ। बचाओ, बचाओ। बेवकूफ, तुझे दोस्तों की भी तमीज नहीं? साहब, ये रुपए मेरी बहन की शादी में काम आएंगे, मैंने जो कमाया शराब में उड़ा दिया। अब इसे शराब में न उड़ा देना, अगर पीनी हो तो हमारे साथ पियो। आओ। लो पियो। नहीं सब, आपके सामने कैसे पीऊंगा? अरे लो भाई, शर्माओ नहीं, लो। क्यों? हाँ हाँ पियो। अच्छा अच्छा, और लो। थोड़ी देर और रुक जाइए, रमेश भाई आते ही होंगे। ठीक तो कह रहे हैं। अजी क्या खाक कह रहे हैं,
देर की भी हद होती है, शाम से रात हो गई। हम तो रुक जाएंगे लेकिन ये घड़ियाल तो आपके लिए नहीं रुकेगा, और फिर किसे मालूम कि वो आ रही है या नहीं। मिल गया फैक्ट्री से कब के चले गए? कब के चले गए? सुना तुमने, मैंने पहले ही कहा था चलो उठो। वो तो अपनी इज्जत शराब में घोल कर पी गया। मैं पूछती हूँ हम लोगों को इज्जत है या नहीं? कन्यादान के समय भी चांद बोतल में डूब गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप नाराज क्यों होते हैं? मैं जाकर दिखाता हूँ कहाँ गए हैं। अशोक भैया, इनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। देखा, जिस घराने में भैया की इज्जत ना हो वो घराना मुझे नहीं चाहिए। सुना तुमने, भाई तो भाई, बहन की जबान भी मेरिट की कैंची की तरह चलती है। उठाओ जी बैग, नहीं चाहिए हमें ऐसे शराबी घर की बहू। चलिए जी। देखा, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? आखिर कब तक गाय की तरह चुप सुनती रहती? मेरी तरफ से कोई बोलने वाला ही नहीं। आने दो भैया को, आज फैसला होकर ही रहेगा। उन्हें बहन चाहिए या शराब। अरे दुख के दिन भी तेरे भैया फिर इधर से दुख के दिन भी तेरे भैया भैया ओ देखी भैया उस दरवाजे से नहीं इस दरवाजे से इधर से। अरे वाह, दरवाजा भी यही से एकदम। मैं जाऊं? हाँ जाओ, जल्दी जाओ। सुख के दिन आयो रे, सुख के दिन आयो रे। चारों तरफ बंद है, बाहर जाओ किधर से? यही रास्ता है। जैसे भी हो इंस्पेक्टर साहब, आपको इस आदमी का पता लगाना चाहिए। आप फिक्र न करें, ये तो हमारी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने कुत्ते की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर रमेश तो मेरी फैक्ट्री का मजदूर है। मैं अपने मजदूरों को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। किसी भी मजदूर का इस तरह गायब हो जाना हमारी फैक्ट्री के लिए बदनामी की बात है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, जैसे भी हो उस गरीब का पता जरूर चलना चाहिए। मिस्टर अशोक, पुलिस अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझती। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर रमेश का कोई दुश्मन है? है, शराब की आदत की वजह से रमेश ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, वरना इस जमाने में ऐसे भरोसे का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं प्रॉमिस करता हूं हम इस केस को जरूर सॉल्व करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपका यह एहसान हम पर ही नहीं उसकी बहन पर भी होगा। नमस्ते सरकार। नमस्ते। वर्कर्स की बहू बेटियों से ऐसी बात की जाती है क्या? सरकार, मेरी ना कोई बहू है और ना कोई बेटी। शट अप। कौन हो तुम? मैं रेखा हूँ सरकार। चार दिनों से रमेश भैया का कोई पता नहीं, उनकी सिवा मेरा कोई भी नहीं। मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और हाँ, वो काम पर भी बहुत दिनों से नहीं आया। कहीं बड़े साहब ने उनको किसी काम से तो नहीं भेज दिया? हो सकता है वो किसी को किसी भी वक्त कहीं भी भेज सकते हैं। फिर भी तुम डैडी से जाकर पूछो। दीवान जी, इन्हें डैडी के पास ले जाइए। सरकार, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप उधर जाने वाले हैं, इन्हें भी साथ लेते जाइए। अच्छा, तुम आओ मेरे साथ। डैडी ऊपर है। डैडी, डैडी। डैडी, रेखा आपसे मिलने आई है, रमेश की बहन, आपसे कुछ पूछना चाहती है। आओ, आओ। ओ, गिर गई। आओ, आओ। पूछो, पूछो। बड़े साहब कहाँ है? बड़े साहब, यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। जाने दो मुझे, छोड़। कहाँ भाग रही हो? भैया को मालूम होगा तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो किसी को मालूम नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा वो भी किसी को मालूम नहीं होगा। बचाओ!
बगैर तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हें ना देख लूंगा। इजाजत तुमने उधर आने की हिम्मत कैसे की? मुझे कुत्तों से इजाजत की जरूरत नहीं। ये क्या मतलब है? शर्म से बात करो। मैं तुम्हें शराफत ही सिखाने आया हूँ कुत्ते कमीने। शर्म नहीं आती गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते हुए? चल! देखो ये रहा तुम्हारा अपराधी, जो जी चाहे सजा दो इसे, मार दे जान से। फोड़ इसकी आंखें ताकि फिर किसी लड़की की तरफ पूरी नजर से नहीं देखे। मुझे माफ कर दो रेखा जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो माफी के लायक नहीं है। अगर आज रेखा ने तेरी आंखें नहीं फोड़ी तो मार फोड़। अच्छा फिर क्या कर रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अभी तुम नहीं जानती, ये पापी माँ बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझता।
आज इस तरह का पर मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मेरे बाप की कसम रेखा जी, आज से मेरी बहन है, मैं वादा करता हूँ। मैं फिर मैंने तेरी बात का कोई भरोसा नहीं। आज भूल गया तुमने मुझे वचन दिया था कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसी वचन की वजह से आज तक खामोश रहा भाभी, वरना मैं इसे कभी कहा खत्म नहीं करता। तुमने ये लॉकेट राजा साहब, आप रायगढ़ इंडस्ट्री की हार लेकर कोकीन की स्मगलिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? पुलिस कुछ दिनों से ही आपकी तलाश में थी। इंस्पेक्टर, सच सच बताइए, ये माल बॉर्डर क्रॉस करके आप कहां ले जा रहे हैं? ऊपर। अजीत सिंह, तुम समझते हो इस ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को मार के तुम अपने काले धंधों पर पर्दा डालोगे? नीच कमीने धोखेबाज, तूने दोस्त के साथ ही नहीं देश के साथ गद्दारी की है। मैं खुद तुझे कानून के हवाले करूंगा। ठाकुर रंजीत सिंह, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। अपनी जबान बंद रखो और आंखें खुली, वरना लोग मुझे नहीं तुम्हें खूनी कहेंगे। इस राज को छुपाने के लिए उसने मुझे पागल करार दे रखा है। हालांकि ना तो मैं पागल हूं और ना ही मैंने किसी का खून किया है बेटी। तो अंकल ने मुझे झूठी बातें कहकर आपसे नफरत पैदा कर दी, आपसे मुझे मिलने भी नहीं दिया। हाँ बेटी, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया, और जानती हो तुमसे मिलवाने का वादा करके वो न जाने मुझसे क्या क्या लिखवा के ले गया। और अब प्रेम से तुम्हारी शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए उसे छीन लेना चाहता है बेटी। मैं उन दोनों को गोली से उड़ा दूंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ बेटी, तुम्हें नहीं जानती ये बहुत खतरनाक लोग हैं। पता नहीं क्या क्या जाल बिछा रखे हैं लोगों ने। ये उसी खूनी के पैरों की आवाज है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेटी बेटी बेटी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, वो मुझे इंजेक्शन लगा देगा। बेटी मुझे बचा ले। अब वो आपको इंजेक्शन नहीं दे सकता। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। आज बहुत दिनों के बाहर है जीत सिंह, क्या पागल पा रही है? अंकल मुझे बचा लीजिए, ये तो बिल्कुल पागल है। ये क्या किया बेटी तुमने? अंकल आपने सच कहा था, ये मुझे नफरत करते हैं। हाँ हाँ, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकल आप इन्हें पागल खाने क्यों भिजवा देते हैं? बेटी पागल खाने वाले पागलों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। हट जाओ, तू मुझे पागल खाने भिजवाएगी? तुम जाओ बेटी यहाँ से। तूने मुझे बहुत से इंजेक्शन दिए हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। अरे इसमें है ही क्या, दोनों गलियां तो चल चुकी हैं। देखा, अब तो तेरी बेटी भी तुझसे नफरत करने लगी है। रंजीत सिंह, अगला इंजेक्शन तेरी मौत का पैगाम होगा। दादी, हाँ बेटी, मेरे सामने उसने आपके साथ ये सलूक किया और मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, मुझे इतनी ही तसल्ली है कि तू असली जंग गई। इससे पहले कि वो जालिम और के कदम उठाए, मुझे अशोक की मदद लेनी होगी। अशोक? हाँ, उसी ने आपको जलने से बचाया था। आप उस पर उतना भरोसा रख सकते हैं जितने की मुझ पर। अच्छा बेटी। क्वाइट क्वाइट, दीवान जी इसे बाहर ले जाइए। चलो। ये लॉकेट आपको कहाँ मिला? फैक्ट्री के ऑफिस में पड़ा था, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। ये मेरी जिंदगी की बहुत कीमती चीज है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें तस्वीर किसकी है? जी ये मेरे बड़े भैया हैं, बहुत दिनों से गायब हैं। गायब हैं? जी हाँ, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। और ये मेरी भाभी हैं, मेरी माँ समान, इनकी तो मैं पूजा करता हूँ। रमेश की बहन को अपनी बहन कहते हो, कितनी इज्जत है औरतों की तुम्हारे दिल में। और एक ये हमारे सपूत हैं कि इन्होंने फैक्ट्री तो क्या, सारी बस्ती में हमें जलील कर रखा है। माफी मांगो इस शरीफ आदमी से। अशोक मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, अगर तुम चाहो तो माफ कर दो, वरना यह है टेलीफोन और पुलिस बुला लो। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सुनो, आइंदा ऐसी गंदी हरकत नहीं करना। किसी मजलूम औरत की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। उस वक्त मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे दिल की आवाज काफी होगी। अशोक, हमें रेखा से हमदर्दी है। रमेश ने उसकी शादी के लिए हमसे 5,000 रुपया भी लिया था, लेकिन पता नहीं वो शराबी कहां चला गया। अगर किसी और मदद की जरूरत हो तो हमसे बेझिझक मांग लेना। जी आपको इतना पूछ लेना ही बहुत है। नमस्ते। नमस्ते। मैं समझता हूं इस दरवाजे से चले जाओ। जी। गुस्से में उस बदमाश ने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। इधर से। जिस रास्ते से रमेश गया है उसी रास्ते से इसे भी जाना पड़ेगा। रमेश भैया की टोपी कहीं नहीं। मुबारक हो छोटे सरकार, आपका दुश्मन तो कुत्ते की मौत मारा गया।
कुत्ते ने कुत्ते को मार दिया। दो टके का आदमी सीमा देवी के साथ शादी के सपने देख रहा था। दुला दीवान जी, दुला मिया की बारात को उसके ससुराल पहुंचाए। खोलिए दीवान जी। डरे ये क्या हुआ? एसिड में गिरते हुलिया बन गया? इसके जिस्म में शायद कुत्ते की हड्डी थी। शट अप! मेरे गरीब कुत्ते की जान गई और अशोक बच निकला। आ मेरे साथ। जिंदगी सिर्फ दो पांव से भागती है और मौत हजारों हाथों से उसका रास्ता रोकती है। जाओ जहन्नम के सारे हथियार चला दो ताकि ये बदमाश भागने न पाए। जानून से भी बच निकला। राजा, राजा! जाओ, खत्म कर दो उसे। किसी भी हालत में पुलिस तक न पहुंचने पाए। हम उसे गोली से उड़ा देंगे। तुम इस रास्ते से उसका पीछा करो। स्टेशन तो क्या, ये बम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। अशोक रुक जाओ। अजित सिंह ने रेखा को मुझे कैद करके रखा है। अगर तुम पुलिस स्टेशन गए तो। तुमने अपनी भाभी की आवाज सुन ली। उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ करो।
और अपनी जबान बंद रखो। चमचे, बता जितने भाभी और रेखा को कहां बंद कर रखा है? ये टेप रिकॉर्डर पकड़ो, मैं अभी बताता हूँ। पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी जान मत लो, बम फट गया तो तुम भी मर दोगे और मैं भी मर जाऊंगा। कहां बम? बम इस टेप रिकॉर्डर में है। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर? दीवान जी खत्म हो गए। दीवान जी खत्म हो गए? कैसे? बम फट गया। बम फट गया? ओ माय गॉड। और मिस्टर अशोक भी मारे गए। अशोक भी मारा गया? खामोश। लेकिन ये सब हुआ कैसे इंस्पेक्टर साहब? आप इंक्वायरी तो कर रहे हैं। जी, मैंने सीमा देवी को भी इत्तला कर। सीमा देवी को भी इत्तला दे दी? लाशें का बेटी, मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस एटमॉस्फेयर में यहाँ नहीं आना चाहिए था। हॉलदार, यस सर, इन्हें घर छोड़ो। नहीं, सीमा जी को मैं घर छोड़ आता हूँ। चलो जाओ, जाओ। ये दोनों हमारे भरोसे के आदमी थे, और फिर खास तौर पर अशोक तो नहायत ही शरीफ, तंदुरुस्त, ईमानदार। मैं इसे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता था। इसका दुख मेरा दुख था, इसके दुख में मेरा दिल जलता था। आपका शिकार। ओह, माफ कीजिएगा, इस हादसे के बाद से मैं अपने होश खो बैठा हूं। अगर आप अशोक की लाश मेरे हवाले कर दें तो मैं इसका अंतिम संस्कार अपने खर्च से कर दूंगा। ये फूल? ओह, ये तुम अशोक के लिए लाया था। तुम यहीं ठहरो सीमा, मैं पूछ रहा क्या था। मैं एक मिनट भी नहीं ठहर सकती। हा? मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं ड्राइवर के साथ घर जाती हूँ। ये चेक बैरल, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लीजिए। थैंक यू। उफ, माय गॉड, चीटे जी जला दिया कमीने ने। मैं ही जानता हूँ किसने बर्दाश्त किया है। जरा बर्नॉल तो ले आइए। ओह यस। अरे तुम वापस क्यों आ गए? फूल चढ़ाना भूल गया था। सीमा कहाँ है? सीमा को तो मैंने घर भेज दिया। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम जल्दी से फूल चढ़ा के आओ। साहब वो फिर आ रहे हैं। फूल चढ़ाने भूल गया था। चढ़ा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये फूल किस तरफ चढ़ाते हैं? पांव की तरफ या सर की तरफ? कहीं भी चढ़ा दीजिए। बच्चे, तुम्हारा हमारा साथ चंद रोज का रहा। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी और सीमा की शादी में शरीक ना हो सके। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी उठ जाओ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वेल डन। अब बताइए फर्दर प्लान क्या है? उस टनल के राज का पता लगाना। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जबरदस्ती राज उगलवा सकती है। मिस सीमा, इतना तीन जानों का खतरा है, इनकी भाभी, रमेश की बहन और आपके पिताजी। अरे आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि आपकी बेटी का हमदर्द अशोक भगवान को प्यारा हो गया है, और इसी खुशी में ये मिठाई खाई है। शरीफ कमीने, निकल जा यहाँ से। नहीं तो आज तक किसी ससुराल में किसी दामाद के साथ ऐसा सलूक होते हुए नहीं देखा। नमक हराम बाप की, नमक हराम औलाद, मैं तेरी सूरत तक नहीं देखा चाहता। लेकिन मुझे तो अपने ससुर का आशीर्वाद देने के लिए एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। कन्यादान का वक्त होता जा रहा है, आप अपनी कन्याओं को विदा कर दीजिए, हम आपको हमेशा के लिए विदा कर देंगे। पालक जरा देख के चल, नहीं तो कहीं का ना रहेगा, तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। ए, कौन है तुम? तू हमें नहीं जानता? अरे हम भड़के तो जुगनू से शोले बन जाते हैं। क्या? तेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा है। तू नहीं जानता हम पिछले जन्म में रामू धोबी थे और तू हमारा
प्यारा गधा था। नीचू 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 क्या नाम है तुम्हारा? बाबा धर्म धर्मानंद बाबा। कैसा बाबा? कौन सा बाबा? तेरा बाबा, तेरे बाप का बाबा, तेरे दादा का बाबा, जगत का बाबा, सबका बाबा, बाप का बाबा। यदि तूने हमें बाप नहीं माना तो तेरे असली बाप का नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। ये क्या पागलपन है? पागल असली हो या नकली बंद करके रखे जाते हैं, समझे? तुम अंदर से आने दिया, तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। मूर्ख, अगर धर्मानंद कर्मानंद हो गया तो तुझ पाखंडी को शिखंडी बना देगा, और अगर हम चले गए तो तुम्हारे भाग्य की सीमा राजकुमारी सीमा भी चली जाएगी। क्या बक है आप? हम बक नहीं रहे, हम सब जानी जान हैं। बर्फ में चरस, धंधा सरस, रमेश की मौत की तैयारी, रेखा बेचारी रह गई कंवारी, रिकॉर्डर में बम, बम में बारूद, पशुओं का सफाया, फिर भी सीमा को हासिल नहीं कर पाया। बाबा, अब बोल, सब झूठ है? नहीं बाबा, आप बिल्कुल सत्य हैं, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। मैं जरूर पिछले जन्म में आपका गधा था। अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया गधे, अब तो तुम्हें सीमा से मिलवाना ही पड़ेगा। एक काम कर बच्चा, अपना तन और मन शुद्ध करके जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहो। एक टांग पे खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, अब दूसरी टांग उठा लो। उठा लिया। अरे पापी, तू एक टांग नहीं उठा सकता तो अपने पाप के इस बोझ को कैसे उठाएगा? तो बच्चा, अवश्य तेरे पास लोहे की कोई वस्तु है? नहीं बाबा, मेरे पास लोहे की कोई वस्तु? बाबा से, बाबा से झूठ मत बोल बच्चा। ये लोहे की वस्तु दूसरे की चाबी तेरे पास, तेरी चाबी मेरे पास। चाबी दे दे, फिर देख तेरी प्रेम दीवानी कैसे तेरे पास चली आती है। नहीं बाबा, मैं चाबी नहीं दूंगा। जिद्दी नास्तिक, नए जमाने में बाबा का चमत्कार देखना चाहता है तो देख, बाबा त्रिशूल फेंकेंगे, फिर देख तेरी प्रेम दीवानी दिल जानी कच्चे धागे से बंधी हमारे पास चली आएगी। अलख निरंजन। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मेरे भैया।
सीमा, सीमा ये क्या मजाक है सीमा, ये क्या मजाक है? अरे मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, तुम्हारे पास ये लोहा है। सीमा 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 सीमा, साधु बाबा जी, साधु बाबा, साधु बाबा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साधु बाबा, साधु बाबा। बाप को साधु बाबा कह रहा है? क्यों गिरी, मैं साधु को बाप कह चुका हूँ। तो फिर अंदर क्यों बंद है? हाँ, मुझे खुली गाड़ी, ये जाने जल्दी। तू नशे में तो नहीं है? मैं पूछता हूँ कि सीमा कहाँ है? वो प्रेम दीवानी मोहब्बत के गाने गाकर मुझे यहाँ लाकर न जाने खुद कहाँ चली गई। वो साधु कौन था? बाबा धर्मानंद। तूने उसे अंदर क्यों आने दिया? क्योंकि वो गर्मने धो रहा था इसलिए। और मुझसे कह रहा था क्या कर राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे क्या बकता है, मैं सच कह रहा हूँ डैडी, उसे हमारा सारा राज मालूम है, चरस कुत्ता बम वो सब कुछ जानता है। यहाँ डैडी वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब यह है कि अशोक जिंदा है, हम जलता हुआ चिराग बगैर बुझाए छोड़ना नहीं चाहते। जाओ रेखा और उसकी भाभी को तुम खत्म कर दो, अशोक और सीमा का खतरा हम खत्म किए देते हैं। चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन अशोक तुम्हें यहाँ ठहरने के लिए गया था, वो कहाँ है? वो भाभी और रेखा की तलाश में सुरंग के रास्ते की तरफ गया है। क्या? सुरंग के रास्ते की तरफ? लेकिन वो तो मौत का रास्ता है। मौत का रास्ता? आखिरी वक्त आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बंद इन दोनों को, अब इनके हाथ सिर्फ मौत ही खोलेगी। बंद रेखा और भाभी को हर कीमत पर बचाना है। अब इस रास्ते पे चाहे जिंदगी मिले या मौत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वापस चली जा सीमा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रहा हूँ तुम वापस चली जा सीमा। नहीं बेटी, जानबूझकर मौत के मुंह में मत जाओ। अशोक बेटे तुम भी वापस। पागल बुड्ढे, जिस इंस्पेक्टर का खून देखकर तेरी इंसानियत चीख उठती थी वो अशोक का बड़ा भाई था। कासम, यस, कहां थे सभी जंजीरों का? Yeah.
ये तो फ्यूज हो गया, ऐसा ना हो वो निकल कर भाग जाए। आओ मेरे साथ, कम ऑन। भाभी क्या हुआ, क्या बात है, क्या हुआ? ये क्या, तुमने भैया का दिया और लॉकर तोड़ दिया? बड़े भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं रहेगा अशोक, मेरी आंखों के सामने इसी कमीने अजीत सिंह ने उन्हें मारा है और उसने इस रास को छुपाने के लिए डैडी को पागल बना रखा। भाभी जिसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाया है, तुम्हारी कसम भाभी मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। अजीत सिंह, अजीत सिंह, आओ बाहर आओ। अपनी मां को आवाज न दो अशोक, आज तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारा नाम लेकर पुकार रहे हो? आज के बाद ये नाम इस महल में कभी सुनाई नहीं देगा। अपने हद से आगे न बढ़ो अशोक। मेरे सब बंधन टूट चुके हैं, अपने भाई के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। नमकहराम, मुझे पागल बनाकर भी तेरे मन को शांति नहीं मिली, अब मेरे बच्चों की जान लेना चाहता है। तेरे रिवाल्वर की गोलियां तुम्हारा खून पहचानती हैं। एक गोली तुम्हारे भाई पर खर्च हो चुकी है, पांच बाकी हैं, जिनसे मैं तुम पांचों को भून दूं। मैं इन पांच गोलियों से तुम्हारी उसे एक गोली का हिसाब चुकता करूंगा। Thank you.
है, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। तुम कहाँ जाते हो? डैडी, डैडी। सच कहते हैं।